और अब बात करते हैं डिंडोरी की, जहां एक कलयुगी माँ ने अपने ही 5 महीने के बच्चे की पत्थर पर पटक कर जान ले ली है, फिर उसके सब को नर्मदा नदी में फेंक दिया है। महिला बिन ब्याही माँ थी और बच्चे को जन्म देने के बाद से ही बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। खास बात यह है कि महिला के परिजनों को भी बच्चे से कोई दिक्कत नहीं थी और वे खुशी से उसकी देखभाल कर रहे थे। इस बारे में डिंडोरी सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि सोमवार को केवलारी गांव में नर्मदा नदी में 5 माह के बच्चे की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने मां को गिरफ्तार किया है। मां बिन ब्याही थी लेकिन उसके परिवार को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। इस बारे में नगर निरीक्षक सीके सिरामे ने बताया कि खनुजा कॉलोनी में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने अपने बेटे रेवांचल को पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद उसने बच्चे के शव को थैले में भरकर डिंडोरी में पुल से नर्मदा नदी में फेंक दिया था। महिला के परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस में बच्चे के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चे का शव 20 किलोमीटर दूर केवलारी गांव में नर्मदा नदी में मिला था। बच्चे के सिर पर चोट के निशान थे। शॉर्ट मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने सिर पर चोट लगने की वजह से मौत होना बताया था। पुलिस ने जब महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आमतौर पर बदनामी के डर से बिन ब्याही माँ बच्चे या भ्रूण की हत्या कर देती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। जब ये महिला प्रेग्नेंट हुई थी तभी घर वालों को पता लग गया था। उन्होंने उसके पिता के बारे में पूछताछ की तो महिला ने उन्हें बता भी दिया, लेकिन उसके परिजनों ने न दुष्कर्म की शिकायत की न गर्भपात का दबाव बनाया, बल्कि उन्होंने तो डिलीवरी के बाद बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालना शुरू किया था। महिला की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। घर में छोटी बहन और माता पिता भी हैं। सभी बच्चे को बहुत प्यार करते थे। परिजनों ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद महिला डिप्रेशन में आ गई थी और बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। सोमवार को जब परिवार के अन्य लोग घर से बाहर थे तो शायद बच्चा रोने लगा था। महिला ने चिड़चिड़ेपन में उसे उठाकर पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके बाद उसे थैले में भरकर नर्मदा नदी में ले जाकर फेंक दिया है। बारिश के कारण इन दिनों नदी में तेज बहाव होने के कारण शव डिंडोरी से 20 किलोमीटर दूर केवलारी में मिला था। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 301 के तहत अपराध दर्ज कर उसे मंगलवार को न्यायालय में पेश किया है।